Now we are going to discuss about elements of retail strategy. There are six elements, and we are going to discuss these elements of retail strategy one by one. First we have to Agar you a graphical view may share what are these elements. So this will give you a complete picture of a comprehensive retail strategy. So six elements may say the first element is about. सिचुएशन अनलिसििस सो व अ रिटेलर डू सिचुएशन अनालसिज इट इज अबाउट एक्चुअली डूइंग थ्री थिंगस फर्स्ट इज़ अबाउट ऑर्गेनाइजेशनल मिशन देन डिफाइनिंग दी ओनरशिप एंड मैनेजमेंट ऑल्टरनेटिवस एंड द थर्ड इज पार्ट इज अबाउट गुड्स एंड सर्विस कैटेगरी सो ये तीन बातें फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सिचुएशन एनालिसिस के अंदर डिस्कस की जाती हैं इसके फ़ौर बाद रिटेलर सेकेंड एलिमेंट के ऊपर मूव करता है दैट इज अबाउट सेटिंग ऑब्जेक्टिव सेटिंग ऑब्जेक्टिव फॉर सेल्स सेटिंग ऑब्जेक्टिव फॉर प्रॉफिट सेटिंग ऑब्जेक्टिव फॉर दिसन ऑफ कस्टमर एंड सेटिंग ऑब्जेक्टिव फॉर स्टोर इमेज स्टोर पैटर्न पोजिशनिंग ऑफ द स्टोर के परस्पेक्टिव के अंदर देन रिटेलर मूव करता है थर्ड स्टेज के ऊपर थर्ड एलिमेंट ऑफ रिटेल स्ट्रेटजी के ऊपर जहां पर इट इज अबाउट द आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंज्यूमर्स तो देन आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंज्यूमर्स के अंदर रिटेलर हैज़ टू सी फॉलोइंग थिंग्स विच इज अबाउट मैस मार्केटिंग कॉन्सेंट्रेटिड मार्केटिंग और डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग सो आफ्टर आइडेंटिफिकेशन ऑफ कस्टमर रिटेलर द इन द रिटेल Store. Then is about the fourth element. After the third element, the retailer moves to the overall strategy. And then, in this overall strategy, the retailer has to spell out all control variables, controllable variables, and all uncontrollable variables. So, what are the things which the retailer can control, and what are the things, what are the points, what are the activities, uh, what are the actions on variables which the retailers uh, will not be able to control? Then, in the fifth element, uh, is about identifying specific activities. So, uh, short term activities, short term operations, daily operations, and how a retailer will respond to the environment, to the competition, to other things. So, for the tamam, other set of activities are specified in uh, the fifth element of retail strategy. And then uh, we move to the last step.

इन सिक्स एलिमेंट्स को फॉलो करते हुए अपनी रिटेल स्ट्रेटजी को फॉर्म करना है अपनी रिटेल स्ट्रैटेजी को बनाने के बाद देन इसको इम्प्लीमेंट करके सक्सेस स्टोरी क्रिएट करनी है अपने लिए एज ए रिटेलर तो सबसे पहले हम मूव करते हैं सिचुएशन अनालिसिस के ऊपर जहाँ पर रिटेलर जो फर्स्ट थिंग वेल्यूएट कर रहा है दैट इज अबाउट ऑर्गेनाइजेशन मिशन तो ऑर्गेनाइजेशन मिशन क्या है ऑर्गेनाइजेशन मिशन इज एक्चुअली रिटेलर्स कमिटमेंट किसके साथ टू द टाइप ऑफ बिजनेस एंड विद द कस्टमर जिस मार्केट प्लेस के अंदर रिटेलर इज गोइंग टू ऑपरेट उसको आइडेंटिफाई करना है कि वट वुड बी माई मिशन मेरा क्या विजन होगा मेरा क्या मिशन होगा क्या ऑब्जेक्टिव मैं सेट करने जा रहा हूँ तो ये फर्स्ट पार्ट ऑफ रिटेल स्ट्रेटजी के अंदर सिचुएशन एनालिसिस के अंदर द फर्स्ट थिंग विच यू आर गोइंग टू डू इज डूइंग गेनाइजेशन मिशन इज सेटिंग अपर ऑर्गेनाइजेशन मिशन ऑर्गेनाइजेशन मिशन को आइडेंटिफाई करने के बाद एलेबोरेट करने के बाद रिटेलर जब नेक्स्ट स्टेप के ऊपर मूव करता है दैट इज ओनरशिप एंड मैनेजमेंट ऑल्टरनेटिव तो रिटेलर को क्या स्पेसिफाई करना है रिटेलर को यह देखना है सबसे पहले कि मैं सोल प्रोप्राइटरशिप की ऑप्शन के ऊपर जाऊँगा मैं पार्टनरशिप ऑप्शन को ऑप्ट करने जा रहा हूँ या आई विल बी इन ए पोजिशन to form a corporation a corporate business a private uh, limited company or a public limited company so whatsoever would be the decision a retailer ko about the ownership and about the management alternatives he has to define he has to clearly spell out ke ye model mera kya hoga agar if the retailer uh, is the, the retailing business is going to be owned by one person of course the sole proprietorship will be the ownership विच द रिटेलर विल चूज और अगर तो पार्टनरशिप है विच मीन्स इट इज़ द रिटेल फॉर्म इज ओन बाई टू पीपल और मोर देन टू पीपल विद ईच विद द फाइनेंशियल इंटरेस्ट और कॉरपोरेशन के केस के अंदर इट इज़ फॉर्मली इनकॉर्परेटेड अंडर सम लॉ विच इज अ कंपनीज ऑर्डिनेंस ऑफ कोर्स इन पाकिस्तान सो वो तमाम लीगल कंप्लाइंस करते हुए रिटेलर इवेल्युएट करता है अपनी ऑनरशिप ऑप्शन को सेलेक्ट करता है और नेक्स्ट स्टेज के ऊपर मूव करता है